नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टैटिक जीके की शुरुआत करेंगे और उसमें पहले वीडियो में हम लोग भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइगर के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं बाघों के बारे में तो मुख्य रूप से एशिया के जो देश हैं उनमें टाइगर पाए जाते हैं। इन देशों की संख्या है 13। उनमें से कुछ देशों के नाम आपके सामने हैं, जैसे कि रूस हो गया, चीन है, भारत है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इसके अलावा मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो इन सारे देशों में बाघ पाए जाते हैं और दुनिया में जो वर्तमान में बाघ हैं उनमें से 70% से ज़्यादा बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बाघों की जो संख्या है वह धीरे धीरे गिर रही थी, तो इसीलिए इन 13 देशों के जो राजनेता है वे एक साथ आए 2010 में और ये लोग आपस में आकर के मिले सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि है रूस में, और इन्होंने वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंतर्गत 2022 तक जो इन देशों में बाघों की संख्या है उसको दोगुना करना था। यानी कि 2010 में ये लोग मिले और इन्होंने ये टारगेट रखा कि 2022 तक, यानी कि अगले 12 वर्षों में हमारे देश में जो भी बाघों की संख्या है उसे हम लोग दोगुना करेंगे। मतलब कि अगर किसी देश में 500 बाघ हैं तो उन्हें अगले 12 वर्षों में उसकी संख्या को दोगुना करके 1000 पहुँचाना था। तो इस क्रम में अभी तक दो देश सफल हो पाए हैं। एक तो है नेपाल, जिसने 2018 में ही उस समय जो उनके यहाँ पर बाघों की संख्या थी उसको दोगुना कर लिया है, और भारत ने भी इसमें सफलता पाई। यानी कि 2019 में जब भारत के यहाँ पर 2018 की जनगणना प्रकाशित हुई तो उस समय तक भारत में भी बाघों की जो संख्या है वह दोगुनी हो गई है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में ये समझौता हुआ था और इन्होंने टारगेट रखा था 2022 का कि 2022 तक हम अपने देश में बाघों की जो संख्या है उसे दोगुना करेंगे। अब बात करते हैं 2019 की, जो हमारे यहाँ पर बाघों की गणना हुई थी। तो बाघों की जो गणना हुई थी 2019 में उसके अनुसार हमारे यहाँ पर कुल 2967 बाघ हैं। कितने? 2967 बाघ हैं। ये आप देख सकते हैं, राज्यवार इनका ब्यौरा भी दिया हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 526 हैं, कर्नाटक में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं और महाराष्ट्र में 312। हमारे यहाँ पर जो बाघों की गणना होती है वह प्रत्येक 4 वर्ष पे होती है। तो ये आप देख सकते हैं 2006 में हमारे यहाँ पर 1411 बाघ थे, 2010 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1706 हो गए, 2014 की बात करते हैं तो 2226 हुए और 2018 की जो गणना हुई थी उसके अनुसार हमारे देश में बाघों की संख्या हो गई है 2967। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। वहीं पर आप अन्य देशों के टाइगर पॉपुलेशन को देख सकते हैं, जैसे कि रसिया में 433 हैं, इंडोनेशिया में 371 हैं, मलेशिया में 250 हैं। तो वही मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत में दुनिया के 70% बाघ पाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के वर्तमान में 18 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको बाघ मिलेंगे। क्या? टाइगर हमारे देश के 18 राज्यों में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये होता है 29 जुलाई को। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस और IUCN की जो रेड लिस्ट है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनकी जो रेड लिस्ट है उनमें बाघ को इनडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और बाघों की हम लोगों ने गणना की बात की थी तो ध्यान रखिएगा एम स्ट्राइप नाम का एक ऐप है जिसका यूज किया जाता है बाघों की गणना में और ये ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कुछ बेसिक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में बाघों की गिरती हुई जो संख्या है उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि उसकी गिरती हुई संख्या को कम करने के लिए या बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वह आपका है उत्तराखंड का जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी और जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क को ही हम हैली नेशनल पार्क के नाम से ही जानते हैं। ये पहले इसका नाम था, बाद में इसे बदल करके जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किया गया।
और उसी समय जो हमारे यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 का, इसके अंतर्गत एक बॉडी का भी गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी का काम क्या था कि जहाँ भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं उन सभी को बेहतर ढंग से चलाना और जो भी स्थान है उनको वेल अच्छे तरीके से मैनेज करना। बात करते हैं वर्तमान में तो भारत में कुल मिलाकर के आपको 50 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। और जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है इसके पहले निदेशक थे कैलाश श्रृंखला। कौन थे? कैलाश श्रृंखला, और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोगों ने बात की प्रोजेक्ट टाइगर की। अब हम लोग बात करेंगे भारत के उन 50 टाइगर रिजर्व की, साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कहां कहां पर यानी कि किन राज्यों में नए टाइगर रिजर्व प्रस्तावित हैं। तो भारत सरकार की अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको भारत में कुल मिलाकर के 50 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। तो आइए पहले मैप से देख लेते हैं कि किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियली टाइगर रिजर्व की संख्या है 6। वैसे रातापानी एक सातवां भी है लेकिन अभी इसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे घोषित कर दिया है। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर संख्या है 6। उसके बाद में बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे कुल 5 टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र के बाद हम लोग बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में भी आपको मिलेंगे कुल 5 टाइगर रिजर्व। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे 3। यहाँ पर भी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व एक नया बना है, राज्य ने घोषणा कर दी है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है केंद्र सरकार की, उसके द्वारा मान्यता मिलना शेष है। आगे बात करेंगे तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य में आपको 4 मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग बात करेंगे असम राज्य की। तो असम राज्य में आपको मिलेंगे 4 टाइगर रिजर्व। असम के बाद में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे 3 टाइगर रिजर्व। उसके बाद में है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में वर्तमान में 2 टाइगर रिजर्व हैं, 2 नए यहाँ पर प्रस्तावित भी किए गए हैं। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा 2 टाइगर रिजर्व। उसके बाद में आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी आपको मिलेंगे 2 टाइगर रिजर्व। उड़ीसा के बाद में है केरल। केरल में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। केरल के बाद में है तेलंगाना। तेलंगाना में भी आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। उसके बाद में है राजस्थान। तो राजस्थान में आपको कुल 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बात करते हैं अगर हम लोग मिजोरम की, तो मिजोरम में भी आपको 1 टाइगर रिजर्व मिलेगा। फिर नाम आता है बिहार का। तो बिहार में आपको 1 टाइगर रिजर्व मिलेगा और 1 आपको मिलेगा झारखंड में। तो ये आपके हो गए भारत के कुल 50 टाइगर रिजर्व जिन्हें भारत सरकार के द्वारा मान्यता मिली हुई है। अब चलिए एक एक करके स्टेट वाइज हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व हैं भारत सरकार के अनुसार, और राज्य सरकार ने एक नए टाइगर रिजर्व की भी घोषणा की है। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व आपको उत्तर में मिलेगा, इसका नाम है पन्ना। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व से आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। फिर आप इसके थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व। फिर आप थोड़ा सा और आएंगे बाउंड्री के पास में महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग पेंच टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, और पूरा इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये इसका पूरा नाम है। उसके बाद में एक टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर मिलेगा और इसका नाम है सतपुरा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सतपुरा टाइगर रिजर्व। और एक सातवां यहाँ पर प्रस्तावित है जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो ये सारे आपके मध्य प्रदेश राज्य के टाइगर रिजर्व हैं। आइए एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, और सातवां प्रस्तावित है जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो आपको ये ध्यान रखना है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपने एक लेखक का नाम सुना होगा जिनका नाम है रुयार्ड केपलिंग।
रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो जंगल बुक पुस्तक लिखी गई थी उसकी प्रेरणा उनको पेंच टाइगर रिजर्व में ही मिली थी। तो ये हमारे रहे मध्य प्रदेश राज्य के टाइगर रिजर्व। अब हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जैसा कि मैंने आपको बताया कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर और इस टाइगर रिजर्व का नाम है मेलघाट टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? मेलघाट टाइगर रिजर्व इसका नाम है। इससे थोड़ा सा हम लोग ईस्ट की तरफ चलेंगे, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा ईस्ट और नॉर्थ की तरफ चलेंगे, उत्तर पूर्व की तरफ, तो एक टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व का नाम है बोर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? बोर टाइगर रिजर्व। बोर के आप लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलते हैं, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व है, इसका मैक्सिमम हिस्सा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा इसका आता है महाराष्ट्र में, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है। हालांकि ऑफिशियली भारत सरकार की साइट पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर पेंच टाइगर रिजर्व आपको मेंशन मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। तो फिलहाल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। इसके बाद में इसके ठीक नीचे आप आएंगे तो एक टाइगर रिजर्व और है जिसका नाम है नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर एक टाइगर रिजर्व और है, इसका नाम है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। इसके बाद में हम आ जाएंगे अब सीधे दक्षिण की तरफ और एक टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर भी मिलेगा, इसका नाम है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो ये आपके 5 प्रमुख टाइगर रिजर्व हो गए महाराष्ट्र के। कौन कौन से? मेलघाट टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है, तड़ोबा अधेरी टाइगर रिजर्व है और है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो ये आपको 5 मिलेंगे महाराष्ट्र राज्य में। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक राज्य में भी आपको 5 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसे हम लोग जानते हैं डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व, या फिर इसे हम काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नया नाम हो गया है काली टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? काली टाइगर रिजर्व इसका नया नाम है। तो आपसे दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, डांडेली अंसी के नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर काली के नाम से भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है भद्रा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? भद्रा टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपको मिलेगा कर्नाटक में। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। कौन सा? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये भी आपको मिलेगा कर्नाटक में। फिर थोड़ा सा इसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। कौन सा? बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। और बिलगिरी रंगनाथ नाम से एक मंदिर भी है कर्नाटक में, तो उसी के आसपास यह टाइगर रिजर्व मिलता है। फिर आप इसके थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्या? नागरहोल टाइगर रिजर्व। और ये सारे आपके आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कैसा है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व इसमें आते हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली ये भी समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है और टाइगर रिजर्व क्या होता है। तो इन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे वाले वीडियो में समझेंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग कर्नाटक के टाइगर रिजर्व की। तो पहला कौन सा है? डांडेली अंसी, या इसे हम काली टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व हो गया, बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है और है नागरहोल टाइगर रिजर्व। अगला एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है MM हिल्स टाइगर रिजर्व। लेकिन इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये अभी प्रस्तावित है। क्या है? ये अभी प्रस्तावित है, इसको ऑफिशियली मान्यता नहीं मिली है। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 5 टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ पर? 5 टाइगर रिजर्व है कर्नाटक राज्य में और MM हिल्स यहाँ पर एक छठे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। फिर बात करेंगे तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। तो उनमें से पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद में इसके थोड़ा सा आप और पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। कौन सा? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। फिर हम लोग बात करेंगे इसके थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है अनामलाई टाइगर रिजर्व। कौन सा? अनामलाई टाइगर रिजर्व। और
एक सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा, इस टाइगर रिजर्व का नाम है कलाकड़ मुंडन थराई टाइगर रिजर्व। तो ये आपको चार टाइगर रिजर्व मिलेंगे तमिलनाडु राज्य में। और ध्यान रखिएगा कि 2019 की जो गणना हुई थी बाघों की, उस दौरान ये भी घोषित किया गया था कि भारत का टाइगर के प्रबंधन के मामले में सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसे सम्मानित भी किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। तो ये आपके चार टाइगर रिजर्व हो गए तमिलनाडु के, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व और है कलाकड़ मुंडन थराई टाइगर रिजर्व। अगला हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कौन सा? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि आपको मिलेगा बीजापुर में। जिले आपको नहीं ध्यान रखने हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हाँ, अगर आप उस राज्य के हैं तो आपको स्थान भी पता होना चाहिए। इंद्रावती के बाद में थोड़ा सा हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। इसके थोड़ा सा और आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है अचन कमार टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अचन कमार टाइगर रिजर्व। और इसके ऊपर है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। क्या है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने इसे घोषित कर दिया है। और अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मध्य प्रदेश में संजय धुबरी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से तो उस समय संजय धुबरी का कुछ हिस्सा आ गया था छत्तीसगढ़ में, और जो हिस्सा संजय धुबरी का आया है छत्तीसगढ़ में उसी का नया नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में घोषणा राज्य सरकार ने कर दी है लेकिन अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसे मंजूरी नहीं मिली है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे तीन टाइगर रिजर्व। सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगा, इसका नाम है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व इसका नाम है। इससे आप थोड़ा सा पूर्व की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इसके थोड़ा सा और आप पूर्व में आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क भी है उत्तर प्रदेश में, तो यहीं पर आपको मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व। तो तीन है आपके उत्तर प्रदेश में, अमानगढ़ है, पीलीभीत है और है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसके बाद में अब हम लोग चलेंगे असम राज्य में। तो अब हम लोग पूर्व के राज्य में आ गए हैं। असम में आपको मिलेंगे चार टाइगर रिजर्व। इनमें से पहला जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो कि भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा असम में। उसके बाद में अगला टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व का नाम है नामेरी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नामेरी टाइगर रिजर्व। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व और मिलेगा और इस टाइगर रिजर्व का नाम है ओरांग टाइगर रिजर्व। क्या? ओरांग टाइगर रिजर्व। और चौथा यहाँ का टाइगर रिजर्व है जिसे हम लोग जानते हैं मानस टाइगर रिजर्व के नाम से। किसके नाम से? मानस टाइगर रिजर्व के नाम से। तो चार टाइगर रिजर्व आपको असम में मिलेंगे। पहला तो आपका है नामेरी, दूसरा आपका है काजीरंगा, तीसरा आपका है ओरांग टाइगर रिजर्व और चौथा आपका है मानस टाइगर रिजर्व। इसके बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको तीन टाइगर रिजर्व मिलेंगे। पहला आपको यहाँ पर मिलेगा और इस टाइगर रिजर्व का नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पक्के टाइगर रिजर्व। फिर हम लोग आते हैं थोड़ा सा पूर्व की तरफ, तो पूर्व में आपको दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे। एक का नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व और दूसरे का यहाँ पर नाम रखा गया है कमलांग टाइगर रिजर्व। क्या? कमलांग टाइगर रिजर्व। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल तीन टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पहला है पक्के टाइगर रिजर्व, दूसरा है नामदफा टाइगर रिजर्व और तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व। इसके बाद में अब चलेंगे उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में आपको दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे। एक तो आपका है, इसका नाम है सिमलीपल टाइगर रिजर्व। दूसरा यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, इसका नाम रखा गया है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और एक उड़ीसा की सरकार के द्वारा तीसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है और इस टाइगर रिजर्व का नाम है सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा ऑफिशियली अभी यहाँ पर दो हैं। कितने हैं? दो हैं, लेकिन सरकार के द्वारा एक तीसरा प्रस्तावित किया गया है। अभी भारत सरकार के द्वारा इसे किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं मिली है। तो इस तरह से उड़ीसा में मुख्य रूप से दो ही टाइगर रिजर्व हैं। एक का नाम है सिमलीपल टाइगर रिजर्व और दूसरी का नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। चलिए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पश्चिम बंगाल राज्य का मैप आपके सामने है। यहाँ पर आपको दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे।
पहला है जिसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? बक्सा टाइगर रिजर्व। और दूसरा, आप लोगों ने सुना ही होगा इस टाइगर रिजर्व का नाम, इसे हम लोग जानते हैं सुंदर वन टाइगर रिजर्व के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। दो टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल राज्य में, एक तो आपका है बक्सा टाइगर रिजर्व और दूसरा है सुंदर वन टाइगर रिजर्व। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य में आपको दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे। पहला टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, यानी कि तेलंगाना राज्य के उत्तर में, और इस टाइगर रिजर्व का नाम है कवल टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? कवल टाइगर रिजर्व। ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। और एक टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर मिलेगा, इस टाइगर रिजर्व का नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से तेलंगाना राज्य में आपको दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो आपका है कवल टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। फिर अब हम लोग चलते हैं उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में आपको मुख्य रूप से दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो आपका है राजा जी टाइगर रिजर्व और दूसरा आपका यहाँ पर है जिसे हम लोग जानते हैं जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से, जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। लेकिन उत्तराखंड की सरकार के द्वारा दो टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रस्तावित भी किए गए हैं। एक तो आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में मिलेगा और एक नीचे की मिलेगा। नीचे वाले का नाम होगा तराई पूर्व की सुरई रेंज टाइगर रिजर्व। और ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसका जो हिस्सा उत्तराखंड में आता है, इसी को इन्होंने प्रस्तावित किया है कि इसे एक नए टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाए, जिसका नाम होगा तराई पूर्व की सुरई रेंज टाइगर रिजर्व। और एक आपको ऊपर मिलेगा जो कि प्रस्तावित किया गया है, इसका नाम है नंधौर टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा, दो अभी प्रस्तावित है लेकिन ऑफिशियली आपको उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरा है राजा जी टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान राज्य में आपको तीन टाइगर रिजर्व मिलेंगे। कौन कौन से? पहला आपका है सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। उसके बाद में आप थोड़ा सा दक्षिण की तरफ आएंगे तो एक टाइगर रिजर्व और मिलेगा, जिसका नाम है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और इसके आप थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो कोटा के पास आपको मिलेगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, ये आपको मिलेगा राजस्थान में। और अभी हम लोगों ने पढ़ा एमएम हिल्स के बारे में। किसके बारे में? एमएम हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि कहाँ पर है? जो कि कर्नाटक में प्रस्तावित है। तो वो अभी बना नहीं है, तो एमएम हिल्स कर्नाटक में प्रस्तावित है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये है राजस्थान में। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये सारे हैं राजस्थान में। अब बात करेंगे केरल की। तो केरल राज्य में आपको मुख्य रूप से दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे। पहला टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। और दूसरा टाइगर रिजर्व है, इसे हम लोग पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो दो हो गए, एक तो है आपका पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और दूसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व। अब बात करेंगे मिजोरम की। तो मिजोरम में आपको एकमात्र टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिसका नाम है डम्पा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? डम्पा टाइगर रिजर्व, जो कि आपको मिलेगा मिजोरम राज्य में। और अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको एक ही टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिसका नाम है श्री नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने तेलंगाना में एक टाइगर रिजर्व का नाम पढ़ा था, जिसका नाम है अमराबाद। क्या नाम है? अमराबाद। तो अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है, वह इसी नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तेलंगाना आपको पता होगा ऐसे ऊपर की तरफ है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, तो ये पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात की थी, तो वह हिस्सा श्री स्लैम टाइगर रिजर्व का जो चला गया है तेलंगाना में, उसी को हम लोग जानते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से। अब चलते हैं बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में आपको एकमात्र टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अब बात करेंगे हम लोग झारखंड राज्य की। तो झारखंड में भी आपको एकमात्र टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पलामू टाइगर रिजर्व इसका नाम रखा गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे डिटेल में टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को बनाने में मैंने कम से कम
सात से आठ घंटे का समय स्पेंड किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अब कहानी समाप्त होती है, अब हम लोग करेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस। पहला प्रश्न है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मैंने आपको बताया, ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो डंपा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मिजोरम राज्य में। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र राज्य में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ आपको मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके अलावा रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स नाम के टाइगर रिजर्व भी आपको राजस्थान में मिलेंगे। नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित नहीं है? तो असम राज्य में आपको मैंने बताया था चार मिलेंगे, नामेरी, उरांग, काजीरंगा और एक है मानस। तो नाम दफा ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर ये आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो यह एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ का है? बिहार राज्य का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मैंने आपको बताया सातवां यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में दो हैं, एक तो है सिमलीपाल और दूसरा है सतकोसिया। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पक्के टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ पर? नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा? तो ये होगा छत्तीसगढ़ राज्य का। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा और सुंदरवन ये दोनों आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा केरल राज्य में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा तेलंगाना राज्य में। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में मैंने आपको बताया था दो हैं, एक तो है पेरम्बिकुलम, दूसरा है पेरियार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी यानी कि पेरम्बिकुलम करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सतकोसिया असम में है, बिल्कुल सही है। सतपुड़ा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये भी सही है। मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान में है, ये भी सही है। सह्याद्री केरल में नहीं है, सह्याद्री आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो तमिलनाडु राज्य की बात हुई है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? इसे मैंने आपको बताया कि इसका नया नाम हो गया है काली टाइगर रिजर्व। तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। बाकी अनामलाई, सत्यमंगलम, मुदुमलाई ये सारे आपको मिलेंगे कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में और यहाँ पर इनकी संख्या है 6। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा झारखंड राज्य में। इसके बाद में है उतंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद में है भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इनकी संख्या 526। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, जहाँ पर संख्या 524। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये आप सारा लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो बोर टाइगर रिजर्व है ये आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। कमलांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कमलांग टाइगर रिजर्व ये आपको कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने सारे टाइगर रिजर्व और उनसे जुड़े हुए जो संभावित प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस किया। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे और वहाँ पर पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सब में बेसिकली अंतर क्या होता है, और उसके बाद में हम सारे भारत के जो 18 बायो रिजर्व हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और वह वीडियो भी पूरी तरीके से मैप और डायग्राम के ऊपर बेस्ड होगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो वीडियो को समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।